आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरा नाम है रामाधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलंबित कहरवा ताल ठेका, जिसका प्रयोग अधिकतर भजन के साथ और पूर्वी गायन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इनके बोल को नोट करेंगे। बोल हैं धा तेट्टे तिन तिन ताके तेट्टे धिन धिन। ठीक है, धा तेट्टे तिन तिन ताके तेट्टे धिन धिन। तो गेस करते हैं कि आप इसे लिख लिए होंगे। चलिए इसे हम लोग बजाना सीखते हैं। दोस्तों इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शुरुआती से यदि तबला सीखना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए कैसे बजाएंगे। सबसे पहले धा बजाने के लिए स्याही के किनार पर अनामिका को रखेंगे, मध्यमा उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो ता और ना सत की आवाज आएगी, डग्गे पर बजाएंगे घेस, दोनों को एक साथ आघात करेंगे, हो जाएगा धा। ठीक है, धा टेटे बजाएंगे स्याही के बीचों बीच इस दोनों फिंगर से, ये हो जाएगा ते, ये हो जाएगा टे टे टे। ठीक है, धा टेटे तिन 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 कैसे बजाएंगे, तिन तिन बजाएंगे लॉ पर, चाटी पर नहीं बजना चाहिए न स्याही पर बजना चाहिए, बिल्कुल लॉ पर सटीक तिन तिन। तिन के साथ इसका को लगा देंगे। ठीक है, तिन तिन तेटे, देखिए कैसे बजाएंगे, ये हो जाएगा ता, ये हो जाएगा आपका के, ता के ते टे धिन 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 बजाएंगे लो पर तीन डग्गे पे, ये हो जाएगा धिन धिन। और धिन धिन में इन दोनों फिंगर को अदला बदली करते रहेंगे, एक बार इससे धिन बजाएंगे धिन, एक बार इससे धिन धिन। ठीक है, धा तेटे तिन तिन ता और इसे जितना भी जितना विलंबित में बजाएंगे उतना ही सुनने में सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसे बजाएंगे। और इसका जो भोजपुरी पूर्वी गायन है उस पर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये जो अभी मैं आपको विलंबित कहरवा ताल बताया, बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत सारे लोग का कमेंट भी आता रहता है कि सर आप जो भी बोल बताते हो बहुत ज़्यादा फास्ट में बता देते हो, इसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, कम से कम आप हमें कमेंट में बताएं। तो मैं अब स्लो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, यदि और भी स्लो चाहिए तो मैं अभी और स्लो आपको बताऊँगा। ठीक है, आप हमें कॉमेंट में बताएँ अभी जो मैं आपको बताया ये आप अच्छे से समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखे। ठीक है, तो एक बार मैं और बजा करके सुना दे रहा हूँ विलंबित लय में। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि शुरुआती से तबला सीखना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है।